नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के रॉक्स। वैसे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 4 दिन पहले की ही बात है। अभी 18 अक्टूबर के दिन अमृतसर में ट्रेन के नीचे तकरीबन 60 से ज्यादा लोग आए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये दशहरा उत्सव था, लोग दशहरे पर रावण को जलते हुए देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। पीछे से ट्रेन आई और 60 से ज्यादा लोग ट्रेन के नीचे आ गए और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो वो इंजर्ड हैं, बुरी तरह से घायल हैं। अब इस हादसे को कोई गलती बता रहा है, कोई लापरवाही बता रहा है, कोई कुदरत का कहर बता रहा है, कोई मतलब मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू, वो कह रहे हैं कि ये कुदरत का कहर है। जब परमात्मा का प्रकोप होता है तो फिर इंसान बेबस हो जाता है। उस फंक्शन में जहां पर की इतनी भीड़ इकट्ठी थी, उस फंक्शन की चीफ गेस्ट थी इन्हीं नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी श्रीमती नवजोत कौर सिद्धू, जो कि उस हादसे के दौरान स्टेज पर खड़ी थी। और जब यह हादसा हुआ, उस हादसे के बाद वो कई तरह की जस्टिफिकेशन दे रही है कि मैं तो चीफ गेस्ट थी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, तो रेलवे की गलती है। लोगों को अनाउंस किया गया था कि ट्रैक पर मत खड़े रहो, ट्रैक पर मत खड़े रहो। मैं ये बातचीत कंटिन्यू करूं, उसके पहले आप एक क्लिप सुनिए, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जैसे कि कुछ स्टेटमेंट इनके और वहां स्टेज मंच पर कुछ बातें बोली जा रही थी, वो सुनिए आप पहले। आराम से प्रोग्राम खत्म हुआ, गाड़ी में बैठे मैं निकली, 15 मिनट बाद मुझे फोन आता है कि वहाँ पे मैडम ऐसा हो गया। एलिगेशन किस बात की? चीफ गेस्ट है, हर जगह जाता है, रावण जल कम 5 6 बार अनाउंसमेंट की गई कि प्लीज अंदर बहुत जगह है, जो भी लोग रेलवे ट्रैक के आसपास हैं वहाँ पे मत खड़े। 500 गाड़ियाँ लग जा, 5 हजार तो ज्यादा बंदा लेना देख लूटा। तो आपने पहले सुना कि नवजोत कौर सिद्धू कह रहे हैं कि मैं तो चीफ गेस्ट हूं, मैं तो हर जगह जाती हूं, ये मेरी गलती थोड़ी है, हम तो अनाउंस कर रहे थे स्टेज के ऊपर कि भाई ट्रैक पर मत खड़े रहो, ट्रैक पर मत खड़े रहो। वहीं पंजाबी में आपने सुना कि वहां कहा जा रहा था कि भाई 5 हजार से ज्यादा लोग ट्रैक पर खड़े हैं, आने दो गाड़ी, 500 से ज्यादा गाड़ी भी निकल जाएंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग इतने बेकरार है आपको देखने के लिए। नवजोत कौर सिद्धू जी अब ये कह रही है, अपना अभी अपना पल्ला झाड़ रही है। देखिए, मैं यहाँ पॉलिटिक्स को बीच में लाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही कोई इंसिडेंट, ऐसा ही कोई हादसा अब तक किसी बीजेपी रूलिंग स्टेट में होता ना, अब तक तमाम मीडिया हाउसेस, सब लोग लग गए होते, मोदी इस्तीफा दो, ये है मोदी इस्तीफा दो, मोदी की गलती है, ये गलती है, वो गलती। लेकिन अभी फिलहाल इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे मीडिया हाउसेस चुप हैं। क्यों? आपको सबको पता है पंजाब एक कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, और ये जो हादसा जहां पर हुआ है, जिस इवेंट में ये तमाम लोग आए थे, उस इवेंट की चीफ गेस्ट थी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, जो कि वहां से भाग गई। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लापरवाही है, रेलवे की गलती है, ये है वो है। मानता हूं मैं, बिल्कुल गलती, लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि लोग वहां गए ही क्यों, लोग वहां गए ही क्यों, लोगों को घर के अंदर रहना था। जिन लोग जो लोग बड़े एनर्जी के साथ गए थे, बड़े मजे लेने के लिए गए थे, उनका तो पूरा त्योहार खराब हो गया। त्योहार जब खराब होता है ना, उसका दर्द मैं बड़े अच्छे से समझता हूँ। दिवाली की एंड शाम को मेरे पिताजी की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में। तो जब कोई परिवार पूरी उल्लास के साथ, एनर्जी के साथ, प्रिपरेशन के साथ त्योहार मनाने की तैयारी करता है, और जब ऐसे हादसे होते हैं तो उस परिवार का दर्द कोई नहीं समझता। यहाँ नेता, मंत्री, एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन उस परिवार का दर्द कोई नहीं समझेगा, जिस परिवार का मुखिया, कमाने वाला, बेटा बेटी, कोई परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य अगर उस हादसे की बलि चढ़ गया, तो उसका दर्द, उसका खालीपन कौन पूरा करेगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। कहीं ना कहीं ये हादसा हमें खुद को सोचने पर मजबूर करता है। रेल की पटरी पर अगर आप खड़े हो, ऐसा तो है नहीं कि वहां रातों रात रेल की पटरी बिछ गई हो, ऐसा तो है नहीं कि लोगों को वहां पता ही नहीं हो कि यहाँ से रोज ट्रेन निकलती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। जो फोन में लगे रहते हैं, सामने जो बातें सुनाई जा रही हैं उसमें ध्यान रहता है, लेकिन आसपास हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है जो नेताओं को, मीडिया को एक रीजन दे देता है कि भाई हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह सरकार नहीं हो सकती, हर जगह नेता थोड़ी जिम्मेदार होता है, पब्लिक को, खुद को भी तो ध्यान रखना चाहिए। 70 80 सालों से हम लोग ही गलत हैं, नेता, अधिकारी, प्रशासन कोई गलत नहीं होता है। क्यों? उनको एक रीजन मिल जाता है सिंपल सा कि भाई पब्लिक खुद भी तो बेवकूफ है, पब्लिक को क्या जरूरत थी मानने की। बिल्कुल सही बात है भाई, त्योहार का दिन है, आप अपने घर में रहो, एंजॉय करो, क्यों चले जाते हो किसी नेता के पीछे अंधे की तरह, या फिर अंधे की तरह भेड़ चाल में शामिल होने के लिए। क्या आपने रावण का पुतला पहले कभी जलते नहीं देखा? पब्लिक के लिए बहुत बड़ा मैसेज है नवजोत कौर सिद्धू जो बोल रही है कि पब्लिक वहां क्यों खड़ी थी, पब्लिक को बिल्कुल खड़ा नहीं होना था, बल्कि मैं तो कहता हूँ पब्लिक को आना ही नहीं था। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि रेल का जो ड्राइवर था उसको क्यों नहीं दिखा। भाई इतनी स्पीड में जब ट्रेन आती है ना, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा होता तब ड्राइवर को दिखना शुरू होता, वो भी रात का समय था। एंड मैंने कई तरह की न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, कई तरह की बातें चेक की, मुझे पता चला कि जब ये
हादसा हुआ उस दौरान ट्रेन के ड्राइवर ने बढ़िया तरीके से हॉर्न बजाया था, उसी दौरान रावण दहन का आतिशबाजी हो रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, बम पटाखे चल रहे थे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हो गए उन लोगों के राम नाम सत्य। तो बॉटम लाइन यही निकल के आएगी कि नेताओं को क्लीन चिट मिल जाएगी, जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको क्लीन चिट मिल जाएगी, जो परिवार इस हादसे की बलि चढ़ गए हैं उनका कहीं कोई सुनने वाला, उनका दुख बांटने वाला कहीं कोई नहीं होगा। 2-4 दिन में ये सारी बातें भूल जाएंगे, फिर से कोई दशहरा उत्सव होगा, फिर से लोग पटरियों पर खड़े हो जाएंगे, पटरियों पर लोग हगते हैं सुबह बैठ के, लोग पटरियों पर बैठ के समाचार पढ़ते हैं, लोग पटरियों पर खेलने कूदने लगते हैं। पटरियां इसके लिए नहीं होती, हम लोगों की आम जनता की जो हरकतें हैं ना, ये कहीं ना कहीं इन नेताओं को एक मौका दे देती हैं पब्लिक के ऊपर ठीकरा फोड़ने का। पब्लिक को हमेशा ब्लेम किया गया, पब्लिक को ही ब्लेम किया जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं, हमारे देश में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी किसी नेता को सजा दी गई हो या कभी किसी नेता के ऊपर अपराध सिद्ध हुए हो। अपराध सिद्ध भी हो जाते तो बंदा जमानत लेकर खुले में घूमता है, चौड़े में घूमता है। ये तो हम जैसे आम आदमी हैं जो अदालत के चक्कर काटने से डरते हैं, नेताओं के लिए तो इट्स लाइक अ केक वॉक, वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को फर्क पड़ता है। तो मैं तो इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहूंगा, अपना कॉमन सेंस, दिमाग, अवेयरनेस, अलर्टनेस साथ में लेकर चलें। आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपने आसपास की चीजों के जिम्मेदार आप खुद हैं, सरकार पुलिस कोई नहीं है। आप खुद जितने सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। अब यह सावधान इंडिया का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। तो गाइस मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये लापरवाही थी, गलती थी, या जिस तरह से मिसेज नवजोत कौर अपना पल्ला झाड़ रही है क्या वो आपको सही लगता है? एंड सबसे बड़ी बात, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों में खुद में भी थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ी समझदारी खुद में भी होनी चाहिए? हम कहां जा रहे हैं, कहां बैठे हैं, आसपास कुछ खतरा तो नहीं है? ये सारी चीजें हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं होती। आपका नजरिया क्या है इस मुद्दे के ऊपर, आपको क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने कमेंट मेरे पास भेजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी बातें थोड़ी सी आपको सही लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए डीएसके डॉक्स। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।